ये ख्याल तो बहुत पहले, मतलब 5 साल पहले आया था, क्योंकि मेरे साथ, मतलब जैसे मैं बता रहा था अपने इंट्रोडक्शन में, 2-3 नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो गए थे, और वो मेरे ख्याल में तो मेरे दिमाग में थोड़े एग्जैजरेट हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था पर जैसे हम हर आदमी के पास क्या होता है कि अगर हमें छोटी सी चोट मिले हम बोल देते हैं कि फ्रैक्चर हो गया है, तो उस लिहाज से कहीं ऐसे एक्सपीरियंस हो गए थे, और इनकी वजह से मैं सोचने लगा कि मरने के बाद क्या होता है वगैरह वगैरह। तो जो मेरे माँ बाप हैं दोनों, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, तो हमेशा उन्होंने इनकरेज किया कि बुक जोया और मैं पढ़ें, क्योंकि अगर आपको लगा कि आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना है, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फर्स्ट इज रीड एंड द सेकंड थिंग इज राइट। आई थिंक दोज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आई हैव ऑलवेज एंजॉयड रीडिंग। बुक लिखने का नहीं, इस वक्त नहीं, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स आते हैं, तो इट्स इन स्क्रीन प्ले फॉर्मेट। मतलब मेरा मेन इंटेंशन वही था कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं जो लोग ये ना सोच पाए कि बस ऐसे ही किसी कमेडियन ने मतलब निकाल के एक किताब लिख ली हुई। तो मैंने इसको बहुत ही सोच दिया, मैंने खुद बहुत ही सारा रिसर्च किया, कई किताबें मैंने, कई रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह बहुत ही बार 3 साल के लिए मैं रिसर्च ही करा था इस किताब के लिए। तो वही मेरी, मतलब मेरी कोशिश वही रही थी कि मैं एक सीरियस सी किताब लिखूं जिसमें एक कॉमेडी वगैरह ज़रूर हो। तो एट द एंड ऑफ इट वो ऐसी किताब भी है जिसमें मतलब सीरियस तो ज़रूर है पर कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा है उसमें। It's in pre-production now. We're going to start shooting in March. So yeah, we're getting there one day at a time. I'm shooting Ab Tak Chhappan Part 2. That's going on right now. I'm fighting zombies, so I'm doing a film called Go Goa Gone with Raj and DK. It's a zombie comedy.